रानी मंजा सोती हैं। कोई बात नहीं महाराज, अगर मैं कुछ ना हमारे कर्मों में जो लिखो तो जो तुम पर निर्वंशी का आज मैं पहली रात मिलन के तुमने टकरार कर दी, कोई बात नहीं हमारे कर्म यहाँ जो कौगा उड़ाई हुए है बदो तो हम उड़ाई रही। मगर महाराज अगर निर्वंशी तुमने कही सुरजा कहानी महत रानी ने रे न्यूता ठानो भंगरी को मरी व्याही त्रिया हमारी एक खुरा का भोजन ना बनाई दे। चंपा मेहतरानी ने ताना तुमको मारा है भोजन वही के ले लेके बनाए की आप ये तो हम पर काबा बनाने उड़ भैयो। हेलो हमने न्यूता ठानो चंपा भंगे दिए का बताओ कौआ तो कौआ रहे कुत्ता दारो रोटी ले जा तुई हम कुत्ता ही बजाए तुम्हें कब गारी नहीं दी। सही बात कौआ नहीं उड़े भैया कब हूँ इतने जन सामने का हमें एक खुराक भोजन बनाई दो कौआ तो कौआ रहे कुत्ता सारो रोटी ले जा तुई हम मार के भजाई है तुम्हें कब हम गारी नहीं दी। तो महाराज तुम बैठ जा महाराज तुम्हारे लिए भोजन है वे हम तैयार करती। हेलो प्रिय तुम्हारी कसम हम जाऊ गंगा उठाऊ तो कौआ और बाबू को सतु लौड़िया चुदावे कताई कौआ तो कौआ रे पौड़ी रही हो हम अगर यहीं बहिरा से तुम्हारी पानी भर के दे दी तुमसे कमो पानी नहीं मिली। तो ठीक है महाराज अब तुम बैठ जाए कम हम पर कौआ ना उड़े तुम हमारी मतलब हमारी चाबी फिर दे दियो और रुका महल वाली और रुका आराम से पौड़ी हो बह सिट पाई। ठीक है महाराज तुम बैठ जाओ। ठीक है आज दोस्तों रानी मंजा सोती है मेरे पति महाराज भूखे हुई आज मुझे 8 दिन हो गए 60 धौरा के ऊपर मेरे पति महाराज ने भोजन पाए होंगे या नहीं पाए होंगे। आज रानी मंजा वो 7 कण धौरा के ऊपर भोजन कैसे बनाती आज अपने पति महाराज को वही टूटी खाट पे बैठा देती है। आज रानी मंजा वो भोजन लगाने में तैयार हो जाती वो कैसे भोजन तैयार करती है। और रानी मंजा सोचती कहती भैया हम पर कबो कबो न उड़वा मैं जी का जय कले सही थे हट जाए तो अच्छी बात है। आज वो अपने पति महाराज के खातिर में आज कैसे लग जाती है मटर हर एक पलक का परसे उतरी मंजा बात चूल है मैं अगली जलाई दई रे अरे नन्ही नन्ही गड़े फूल किया वा दारी पकाई दई खाना की नन्नी नन्नी गले भुलुकिया दारी पकाई दई काला की करी न देरी होती मेरी भोजना करे तैयार जी भैया 2-3 टिक ले आओ रोटी प्लेट में रख दे करी न देरी होती अबेरी भोजन करे तैयार रे जा पर बैठे बलमु नगीना मंजा लगी बा
भैया जानी जी। लइके भोजन मंझा चली दई, अरे लइके भोजन मंझा चली दई, आओ पहुंची पलवा के ढिल जाई, हमारे भैया है नहीं लगाई दे। प्रिय महाराज, मैं समारोह ले, अब मैं भोजन बना के आ चुकी हूँ महाराज। हेलो महाराज, हम भोजन बना के आ चुकी महाराज, भोजन अब तुम भी खा लीजिए। और चंपा मेहतनाने के लिए तुमने नेवता ठाना है, उसके भी साथ में लेके जाना। पहले महाराज तुम भूखे हो, तुम आओ खाई लो। हमारी बहुत चिंता तुम्हारी, पंगिन के लिए ले जाइयो। अब महाराज फिर भाई, अब हम आऊं चले यहां कहां? देखो तुमने कही तो तुम पर कौवा ना उड़बे, तू भोजन बनाई दे, तुम पर कौवा ना उड़बे, तुमने जा बात कही। भाई अब तुम देखो हमारे जो कमरा वाली चाबी, महल वाली हमारी चाबी दे, और जो तुमने हमारी साड़ी खोली, अब हमारी साड़ी दे, साड़ी पहन दी, हम चली मैल काजे। अब हम कौआ ना उन्हें पटेला पर कौआ ने करी मुलाव दुलाव दी मां गाई गई। तो तुमने कौआ, अब तुमने भोजन कही, तुमने कही तुम भोजन वाले, तुम पर कौआ ना उड़ भाई। तो अब तुम भाई चालू करो, तो अब तुम का उड़ भाई। सुनो मेरी चाबी तुम्हें चाहिए, कौन कमरा वाली चाबी, हमारे कमरा वाली चाबी दे। देखो तुम भूखे भोजन खाई लो, बड़े कमरा वाली, हाँ बड़े कमरा वाली दे, और का छोटे कमरा वाली अब नहीं, तुम्हारी सौरानी दवाई निकाल करता ही। अब हमें चाहिए बड़े वाले कमरा वाली चाबी। अरे ये टको काम मेरो लिकरी गो अपने बासक पकड़ू। काकाई काकाई कहना मारा, ये बताइए तुम्हें टोटिया अटको काम मेरो लिकरी गो बने बासक पकड़ाऊ, ढौरा पै कौआ उड़ावा। सुनती नाई प्रभुता, अटको काम मेरो रनिया मोरी व्याही त्रिया, आई लिकरी गो धौरा बा। पहले तुमने कही मक्का हुआ ना उड़ भाई, अब तुम कहते मारो अटको काम तो निकरी गो। भैया का गधा बाप बनाई ले, का थारो बाप हो जा मतबर ले, गधा बाप बनाई लेती आदमी का थारो। अरे पहले तुमने बलवा काए कही, आई अब ता बात नहीं मानती, बात परवती ये बला ले उमरी ब्याही त्रिया, नाई काहे मरी जाई उहा तसा। अवल न जानी जग दिखलियो ललम रफिया, मई पासे नाई खलती। भैया मरी सुनाऊ कहानी आगे की, दद्दा तुम्हें समझाई रहे है। भैया हेलो, तब तक 12 साल ही पूरी नहीं हुई, जब तक तुम्हें रोना रोना धपरावे, बदा है तुम्हें राज नहीं। चली आई नाराज कही की अपने कागुड़ा तेरे काग आसरा देख रहा है, अगर एक चोच काग में बोर गया तो जानती है तेरा गर्दन होगा बे तेगा होगा।